नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों आज का लेक्चर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UPGS के प्रमुख वन्य जीव और पक्षी विहार से, जिसमें से एक से दो क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। और मैंने आपको वादा किया था आपके वीडियो एग्जाम तक इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसी प्रकार से UPGS के सेक्शन वाइज क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। बस आपसे यही उम्मीद है कि बने रहिए मेरे साथ साथ, वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मॉक टेस्ट है मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आपको वीडियो स्पेशल की हिंदी ग्रामर, संज्ञा, सर्वनाम, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण अगर आपको पढ़ना है तो अनअकैडमी मैंने बहुत अच्छा लेक्चर वीडियो बनाया है, वहाँ से आप इसको बिल्कुल फ्री में निःशुल्क पढ़ सकते हैं। और मुझे फॉलो करने के लिए आपको इतना करना, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, लिंक पर आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेंगे और मेरे द्वारा बनाए गए कोर्सेज का लाभ बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं और फ्री में स्लाइड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर वीडियो मैंने वहाँ बनाए हैं, काफ़ी छात्र वहाँ देख रहे हैं, आप भी उसका लाभ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन्य जीव विहार की बात करें और आपका पक्षी विहार की बात करें तो चंद्र प्रभा, यहाँ पर देखिए जो चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार है आपका, वन्य जीव विहार ये आपका कहाँ पर आपको बताना है कि आपने पढ़ा है, तो जो पढ़ा है आपने तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखिए गोंडा, चंदौली, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, और ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके वीडियो के एग्जाम लेवल साथ साथ UPPSS प्री जो अभी 28 तारीख को होने वाला है उसके लिए भी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों चंदौली, चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर है आपका, चंदौली, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कछुआ वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कछुआ वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो राइट आंसर दोस्तों इसका है ऑप्शन बी वाराणसी, वाराणसी में कछुआ वन्य जीव विहार आपका उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कतरनिया घाट बहुत ही, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन देखिए आपके सामने क्या आ रहे हैं, यहाँ पर खीरी होगा, खीरी, अलीगढ़, बहराइच या आगरा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों कतरनिया आपका है बहराइच में, ऑप्शन सी बहराइच। और इसकी फ्री PDF अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, मैं जल्द ही सभी टेस्ट वीडियोस की PDF शेयर कर दूंगा और बाकी लेक्चर वीडियो की PDF मैंने शेयर कर ही दिया आप लोग को, पॉलिटिक का हो गया चाहे आपका हिस्ट्री का हो गया वो मैंने आपको शेयर कर दिया, वहाँ पे काफ़ी छात्र इसका लाभ ले रहे हैं, अभी लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रानीपुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के जिले में, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लेकर आ रहा हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। रानीपुर, रानीपुर देखिए दोस्तों ये है आपका वन्य जीव विहार आपका चित्रकूट में, ठीक है, रानीपुर चित्रकूट, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, हस्तिनापुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, हस्तिनापुर सोचिए कहाँ पर हो सकता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मेरठ, मेरठ में आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार आपका उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं, समन पक्षी विहार बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, समन पक्षी विहार किस आपका यूपी के किस ज़िले में, ऑप्शन देखिए चंदौली, बस्ती, मैनपुरी, औरैया, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा समन का औरैया, सॉरी मैनपुरी, ठीक है, मैनपुरी, राइट आंसर ऑप्शन सी, समन पक्षी विहार का राइट आंसर है मैनपुरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, समसपुर पक्षी विहार, इसके पहले समन था, ये समसपुर है, नाम में देखिए डिफरेंट है, समसपुर पक्षी विहार यूपी के किस जिले में, तो समसपुर देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन देखिए, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीतापुर, रायबरेली, लखनऊ या बरेली, बरेली या रायबरेली, चलिए दो गेस मैं देता हूँ कहाँ पर होगा, बरेली होगा या रायबरेली होगा, गेस करिए फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों समसपुर पक्षी विहार आपका है रायबरेली में, ठीक है, रायबरेली, रायबरेली। आगे बढ़ते हैं, सुहेलवा वन्य जीव विहार यूपी के किस ज़िले में, सुहेलवा, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है सुहेलवा, तो सुहेलवा दोस्तों आपका देखिए है राइट आंसर श्रावस्ती, यूपी के श्रावस्ती में सुहेलवा वन्य जीव विहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरहा ताल जिसको दोस्तों जय प्रकाश नारायण भी कहते हैं पक्षी विहार, यूपी के किस ज़िले में, अब बताइए गोंडा, चंदौली, लखीमपुर खीरी या बलिया, चार ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सुरहा ताल आपका JP नारायण, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, तो राइट आंसर दोस्तों आपका बलिया ज़िले में, सुरहा ताल कहाँ पर है, बलिया ज़िले में, ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार यूपी के किस ज़िले में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सुहागी बरवा देखिए बिजनौर, महाराजगंज, इटावा, ललितपुर, चार ऑप्शन है, चलिए मैं दो हटा देता हूँ, चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, बिजनौर और महाराजगंज, चलिए सोचिए क्या होगा, बिजनौर और महाराजगंज में क्या गेस कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है
वो है आपका सुहागी बरवा महाराजगंज में, ठीक है, महाराजगंज में सुहागी बरवा आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं, किशनपुर वन्य जीव विहार यूपी के किस जिले में, किशनपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, अब की बार बिल्कुल वीडियो क्रैक कर लेना आप लोग को लगन से लगिए, 60 दिन में एक दिन निकल गया, 59 डेज, 22 और 23 को एग्ज़ाम है, आज 24 है, ठीक है, बिल्कुल लगन से लगिए। कल मैं लाइव भी आया था, आप लोगों से बातचीत भी किया, काफ़ी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, बस आप लोग को मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। 11वां देखिए, किशन आपका किशनपुर वन्य जीव विहार यूपी के किस जिले में, किशनपुर दोस्तों आपका है राइट आंसर, लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी में आपका किशनपुर वन्य जीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार यूपी के किस जिले में, महावीर स्वामी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कौसाम्बी है, मथुरा है, हापुड़ है, ललितपुर है, सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए मैं आपको मथुरा और ललितपुर दो ऑप्शन दे देता हूँ, हापुड़ कौसाम्बी में हटा देता हूँ, चलिए आप सोचिए, आप गेस करिए क्या हो सकता है आंसर, तो यहाँ पर दोस्तों ये है राइट आंसर आपका ललितपुर, ठीक है, ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, लाख बहोश पक्षी विहार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन से आपका बनेगा ये लाख बहोश, ये बार बार पूछा जाता है और ग्रुप सी के लेवल के एग्जाम में तो ये आ भी सकता है, यूपीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। तो लाख बहोश देखिए दोस्तों, जो लाख बहोश है आपका वो है आपका, देखिए ऑप्शन देखिए, इटावा, हरदोई, बलरामपुर या कन्नौज, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर दोस्तों इसका है कन्नौज, ठीक है, कन्नौज, लाख बहोश कहाँ पर है, कन्नौज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए इसको जरूर से जरूर। इसके बाद एक अगला और इम्पॉर्टेंट आ रहा है आपका पटना, ठीक है, पटना पक्षी विहार यूपी के किस ज़िले में, देखिए दोस्तों इसका नाम तो पटना है लेकिन है ये यूपी में, ठीक है, तो पटना जो पक्षी विहार है दोस्तों ये है आपका एटा में, ठीक है, एटा ज़िले में है पटना पक्षी विहार, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा, हालांकि सारे इम्पॉर्टेंट हैं, मैं लेके आया हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, तो बार बार एक से दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल आ जाएगा, ऑप्शनल टाइप से इसलिए मैंने इसको बनाया है। आगे बढ़ते हैं, ओखला पक्षी विहार यूपी के किस ज़िले में, तो दोस्तों ओखला पक्षी विहार आपका यूपी के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों मिलाकर है, इसके मध्य में आता है, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद भी दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों को मिलाकर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पार्वती अरगा पक्षी विहार यूपी के किस ज़िले में, अब दोस्तों पार्वती अरगा देखिए ये नया नाम हो सकता है, आपने शायद ना सुना हो काफ़ी छात्रों ने, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आने के बिल्कुल 100% चांसेस बने रहते हैं, पार्वती अरगा ये राइट आंसर है दोस्तों आपका गोंडा, ठीक है, गोंडा, पार्वती अरगा कहाँ पर है, गोंडा में है। सैंडी पक्षी विहार ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैंडी पक्षी विहार, ये बार बार ये भी आता है, ऑप्शन देखिए हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, चलिए तो सोचिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, सैंडी पक्षी विहार, तो चलिए मैं इसका दो ऑप्शन देता हूँ, हरदोई और रायबरेली, अब बताइए रायबरेली या हरदोई में क्या हो सकता है, दो मैंने हटा दिया, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सैंडी पक्षी विहार आपका है हरदोई में, राइट आंसर आपका हरदोई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बखीरा पक्षी विहार ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी के किस ज़िले में, अब दोस्तों जो बखीरा पक्षी विहार है आपका, देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए बलरामपुर है, बाराबंकी, फतेहपुर या कबीर नगर, संत कबीर नगर, तो बखीरा पक्षी विहार जो आपका है दोस्तों वो है आपका संत कबीर नगर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बखीरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार का ये भी यूपी ट्रिपल SC में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से, और यूपी स्पेशल से मैंने बताया था कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हर एवरेज आएंगे, तो इस प्रकार से आपको हर सेक्शन में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार यूपी के किस जिले में है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ठीक है, कुंडा प्रतापगढ़ में है, कुंडा के बेती जगह है, वहाँ पर बेती, आपने राजा भैया का नाम सुना ही होगा, तो उसी एरिया में, तो कुंडा प्रतापगढ़ में भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सूर सरोवर पक्षी विहार यूपी के किस ज़िले में, सूर सरोवर, ठीक है, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो दोस्तों सूर सरोवर जो पक्षी विहार है यूपी के आपके ये है आगरा में, ठीक है, राइट आंसर आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार यूपी के किस ज़िले में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ा एक फैक्ट भी है, आगे मैं फैक्ट बताऊंगा आपको, चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार दोस्तों यूपी के कहां पर है, ऑप्शन देखिए उन्नाव, आगरा, सहारनपुर, पीलीभीत, चलिए दो ऑप्शन मैंने हटा दिए, पीलीभीत और उन्नाव में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, पीलीभीत और उन्नाव, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है उन्नाव, ठीक है,
उन्नाव में। चलिए इसका अब मैं फैक्ट बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वन्य जीव और पक्षी विहारों से कि राज्य का जो प्रथम वन्य जीव विहार है दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, और ये कहाँ पर है चंदौली। मैंने बताया चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार राज्य का पहला वन्य जीव विहार है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार दोस्तों कहाँ, हस्तिनापुर। कहाँ पर है, मेरठ, मैंने इसमें बताया, ठीक है, हस्तिनापुर। ये दो फैक्ट ध्यान रखिए। और सबसे छोटा, तो बड़ा है तो छोटा भी जानना पड़ेगा, तो बड़ा आपका हस्तिनापुर हो गया, छोटा हो गया महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ठीक है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये कहाँ पर मैंने बताया था आपको, ललितपुर में बताया था, ठीक है, ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, आपके पक्षी विहारों से देख लेते हैं। तो सबसे राज्य का पहला पक्षी विहार दोस्तों चंद्रशेखर पक्षी विहार, ठीक है, चंद्रशेखर पक्षी विहार, ये कहाँ पर मैंने बताया था, उन्नाव में। और सबसे बड़ा पक्षी विहार लाग बहोस पक्षी विहार, ठीक है, लाग बहोस पक्षी विहार कन्नौज मैंने बताया है। और सबसे छोटा पक्षी विहार दोस्तों पटना, कहाँ पर, एटा, पटना कहाँ पर है पक्षी विहार, एटा में सबसे छोटा है। तो दोस्तों ये था आज का यूपी जीएस स्पेशल का आपका वन्य जीव पक्षी विहार के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला है। आपको डेली ऐसे ही मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं, बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ मेरी अनअकैडमी ट्विटर फेसबुक और टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी, यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।